Good morning, students. Welcome to TSN Online English class. So, like we have read our first chapter, that is the fun they had from the book Beehive. So, in this chapter, you have given a very beautiful poem, The Road Not Taken. This poem written by a very famous poet, Robert Frost. So, this is the one of the very, very famous poem of him. Understand? So, basically, the poem is very important for you. Why is it is important for you? Because the message that you are going to get from this poem now is going to be very useful in your entire life. See, from this, what will you get? Let's see. It is all about the choices. Actually, this poem is all about the choices. It's all about the decision or that you take in your life, and that is something which is going to decide what you will be known for. Understand? See, you have many alternatives in your life. कि हमें क्या choose करना है, हम इस तरफ जाएं या ये choose करें. Suppose you are in all 9th standard, right? अब 9th standard में आप हो, तो 9th standard तक usually हमारे पास इतना work नहीं होता decision. I understand and I know कि we have our decision makers like our parents or our teachers, but still हमें एक point पे अपना decision खुद लेना पड़ता है. But वो decision हम कैसे ले सकते हैं, right? जैसे अब आप 10th class में आओगे after 9th, okay? तो 10th class में आने पर जब आप whenever you passed your 10th class with good grades ना, तो आपको choices मिलेगी कि आपको कौन सा subject choose करना है, because वो ही subject decide करेगा कि आप अपने future में क्या बनेंगे, means what you will be known for in your future. Understand? Suppose हम 10th के बाद कि नहीं हमें arts लेना चाहिए, हमें PCM पे जाना चाहिए, go for that, go for this. So हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं डेट टाइम कि हमें हमारे लिए कौन सा डिसीजन बेस्ट होता है. समटाइम्स हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प करते हैं, हमारे टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स हमारी हेल्प करते हैं, बट स्टिल द लास्ट डिसीजन इज योर्स ओनली. अंडरस्टैंड? सो ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common or ordinary experiences. So in this chapter mein basically kya hai jo Robert Frost hai jinhone ye poem likhi hai, wo ek American poet the aur wo bahut simple write karte the. Unki writing bahut simple thi, bahut thoughtful hote the. Common people basically wo jo bhi message hame provide karwate the, aur whether messages or some very टॉपिक, जो भी हम टॉपिक लेते हैं वो बहुत कॉमन लेते थे, या कॉमन पीपल मैसेज ऑफ सम कॉमन पीपल, वो ही अपने पोइट्रीज में वो शो करते हैं. एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस मींस जो भी एक्सपीरियंसेस वी हैव टू फेस इन आर लाइफ और वी विल फेस इन आर लाइफ, वो सब रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यहाँ पे अपनी पोइट्रीज में प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, अपनी पोइट्रीज में बताने की कोशिश करते हैं, और इतनी कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो रीडर को ईजिली अंडरस्टैंड हो. ओके, सो बेसिकली दिस पोएम, वेल नोन पोएम, इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. सो हियर द शेप अस, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जो चॉइसेस है, जो भी हम अपनी चॉइस लेते हैं वो हमें शेप करती है. सी, एज आई टोल्ड यू कि आप जब 10th क्लास में आओगे तो आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब वही सब्जेक्ट आपके होल लाइफ को शेप अप करेगा. सपोज आप लेना चाह रहे थे मैथ, बट आपने अपने पेरेंट्स से या टीचर से या किसी से भी, या किसी से इंस्पायर होकर नहीं, मतलब किसी कहते हैं ना कि मेरे फ्रेंड ने मैथ ली है तो मैं भी मैथ ही लूँगा, राइट? तो उन सब चीज़ों के चक्कर में भी, शो ऑफ, काइंड ऑफ शो ऑफ वी कैन से, उसमें भी आप लोग क्या करते हैं, कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं, तो हमारी लाइफ शेप अप नहीं हो पाती. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम अपनी चॉइसेस लेते हैं, वॉट एवर वी चूज, उसमें जो डिसीजन हम लेते हैं वो बहुत सही डिसीजन होना चाहिए, बिकॉज वो हमारी होल लाइफ को
शेप करता है. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. ओके, हम स्टैंजाज वाइज पढ़ते हैं. देर आर फोर स्टैंजाज. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. सी, यहाँ पे दो रोड्स के बारे में बात हो रही है और ये जो येलो वुड है, येलो वुड, टू रोड्स डाइवर्स जा रहे हैं, अलग अलग दो रोड्स जा रहे हैं. डाइवर्स मीन सेपरेटेड. ओके, दो रोड्स जा रहे हैं एंड द येलो वुड, येलो वुड इज अ सिंबल ऑफ ऑटम सीजन. ओके, यहाँ पे ऑटम सीजन को डिस्क्राइब कर रहा है येलो वुड. सो जो दो रोड डाइवर्स हो रहे हैं और येलो वुड यहाँ पे है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. सो हेयर रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन्स पोएट डिस्क्राइब हेयर कि सॉरी मैं दोनों रस्तों पर तो नहीं चल सकता. आई कैन नॉट ट्रेवल बोथ ऑफ दी पाथ. ओके, हम हैं, हम एक ही पाथ पर जा सकते हैं ना, हम दोनों रस्तों पर तो एक साथ नहीं जा सकते, राइट? एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. और मैं एज अ ट्रैवलर बहुत देर से इसी जगह पर खड़ा हूँ पॉइंट पे कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, दिस रोड और दैट रोड, मतलब इधर दिस वन और दैट वन. तो इसमें वो कन्फ्यूज है. एंड बी एंड लुक डाउन एज वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. सो अंडरग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. अंडरग्रोथ का मतलब है डेंस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. तो वो जहाँ पे खड़ा है, सो एज फार एज ही कैन, जितना दूर वो देख पा रहा है उतना दूर वो देख रहा है, क्योंकि फिर वो डेंस फॉरेस्ट आ जाता है तो वो नहीं देख पाता उतनी दूर तक. सिर्फ वो कंटिन्यूसली उस रोड को, उस वे को स्टेयर करता है. सो ये तो हो गया इसका स्टेंजा का एक कॉमन मीनिंग. तो अब लिटरली मीनिंग क्या है, मीन्स दिस इज द वेरी लिटरली मीनिंग. अब पोएट हमें यहाँ पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, लेट्स सी. ओके, सो हेयर सी वी हैव टू चॉइसेस. जैसे मैं बताती हूँ आपको, हमारे पास दो रोड्स हैं. ये एक रोड जा रहा है और ये एक रोड जा रहा है और हम इधर खड़े हुए हैं, राइट? हम यहाँ पे हैं. ओके, सो ये जो दो रोड्स जा रहे हैं, डाइवर्स रोड जा रहे हैं एंड वी आर स्टैंडिंग हेयर. ओके, सो वी डोंट नो कि विच पाथ वी हैव टू चूज. अंडरस्टैंड? हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कौन सा पाथ चुनना चाहिए. और आगे जितना हम दूर तक देख पा रहे हैं उतना हम देख रहे हैं, क्योंकि आगे तो डेंस फॉरेस्ट है. मतलब हम, जैसे आपने 10th क्लास में आपने आर्ट्स लिया और आप देख पा रहे हैं यार मैं आर्ट्स में, अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ तो मैं IAS की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मैं RS की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, है ना, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ. तो मीन्स यू हैव मैनी ऑप्शंस. तो कुछ इस तरीके से आप सोचते हैं. बट सी वी डोंट हैव टाइम मशीन ना, सो वी हैव टू लिव दैट डिसीजन ओनली. अंडरस्टैंड? सपोज अगर आपने कोई भी डिसीजन ले लिया, आपने सोचा मैं लेफ्ट वाला मीन्स दिस साइड चूज करता हूँ, तो अगर मैं इस साइड जाऊँगा तो ओके. बट अगर ये रॉन्ग डिसीजन हुआ तो वी हैव टू लिव विद दैट डिसीजन ओनली. सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, थिंक ट्वाइस और मे बी थ्राइस. आपको अच्छे से सोच के ही अपना डिसीजन लेना चाहिए अपनी होल लाइफ में. ओके, कि कौन से ऑल्टरनेटिव को मैं चूज कर सकता हूँ, ठीक है, विच ऑल्टरनेटिव डेट आई शुड गो फॉर, दिस वन और डैट वन. ओके, सो जैसे लास्ट लाइन्स है, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इट द अंडरग्रोथ. इट मीन्स कि यू हैव लुक फॉर द, जब भी आपके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव्स आए कि, और आपके लाइफ में जब भी आपको डिसीजन लेना हो, डिसीजन मेक करना हो, दैट टाइम प्लीज यू हैव लुक फॉर द प्रोज एंड क्रॉन्स, यू हैव टू लुक फॉर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. कि यस आई एम रेडी फॉर दिस, नो आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, आई कैन डू इट, आई कांट डू इट. सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो
So, and which part I have to choose, and which part I have to leave. So बोथ ऑफ जो भी ये कॉन्सेप्ट हैं और जो भी चीज़ें हैं आपको सब क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद ही अपना डिसीजन लेना चाहिए. अदरवाइज आप एक ऐसे जगह फंस जाओगे जो यहाँ से आप कभी वापस नहीं आ पाओगे. तो बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो यहाँ पे हमें एक समझाना चाह रहे हैं, एक लेसन देना चाह रहे हैं कि डिसीजन जब भी हम अपनी लाइफ में लेते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसे लेते टाइम कम से कम आपको दो बार सोचना चाहिए. अंडरस्टैंड? ओके. तो रेस्ट ऑफ द पोइट्री विल बी कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू.